is BJP Vice President Dilip Ghosh. Mr. Ghosh, appreciate you joining us. बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े. प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी आपने घोष जी, और उसमें आपने ममता बैनर्जी का इस्तीफा मांगा है. अब ममता बैनर्जी के अपने चार्जेस हैं, टीएमसी तो आप ही को गुनहगार मांग रही है. किस बिना पे आप ममता बैनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं? खाली आज की वायलेंस नहीं है, जब सीए हुआ था बंगाल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, 250 करोड़ का प्रॉपर्टी रेल का जला दिया गया था, रेल लाइन, रेल स्टेशन, गाड़ियां, बसेस जाली थी, एक लाठी नहीं चली, एफआईआर नहीं हुई, किसी अरेस्ट नहीं हुई. फिर नूपुर शर्मा वाली घटना में भी बंगाल में 3 दिन तक हिंसा चली, मंदिर तोड़ा गया, बीजेपी का ऑफिस फूंका गया और अगजनी हुई, कुछ नहीं कर पाए. और लगातार पिछले 1-2 साल से बंगाल में जिस प्रकार बम बंदों की आवाज आ रही है, एक बीरभूम में 8 महिला 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया पेट्रोल डाल के घर बंद करके, कोई कार्रवाई नहीं है. अभी उनके पार्टी के 2 लोग आपस में गोलीबारी में मारे गए, 7 साल की बच्ची के ऊपर बलात्कार और रेप होता है, एनसीपीसीआर जब जाती है टीम उनको रोकने, उनके साथ बदतमीजी किया जाता है सत्य को छुपाने के लिए, और अभी रामनवमी के लेकर के शहरों में एक एक शहर में हिंसा हो रही है, लगातार पथराव हो रहा है शोभा यात्राओं के ऊपर, पुलिस हाथ पर हाथ खड़ी हुई. इसलिए लगता है कि ममता बनर्जी की ये कंट्रोल के बाहर चला गया है बंगाल, उनसे होने वाली नहीं है, वो जब तक रहेंगे बंगाल का सत्यानाश होगा, इसलिए उनको वहां से अलग किया जाए तभी बंगाल बचेगा, नहीं तो बिफोर पार्टीशन 46-47 साल में जो हुआ था बंगाल में दंगई, आज वैसा उससे भी खराब हालत में बंगाल चल रहा है. घोष साहब, ममता बनर्जी कह रही हैं ये सब पॉस्चरिंग है भाजपा की, ऐसा कैसे हो सकता है कि हर साल रामनवमी के बाद ही ये पूरा वायलेंस पीक करता है, उन्हीं जगहों में पीक करता है, और इस बार भी पिछली बार की तरह बहुत भारी तादाद में लोग बाहर से लाए गए, और वो लोग लोकल्स थे ही नहीं जिन्होंने ये पूरा दंगा किया, और इसकी जिम्मेदारी वो आप पे कह रही हैं कि ये भाजपा का काम है? नहीं, भाजपा तो नहीं है, समाज की जो प्रोग्राम होती है धार्मिक शोभा यात्रा में हम भाग लेते हैं, ना कोई नेतृत्व थे ना कोई भाषण भी दिया हमने, साथ में थे लोग, हजारों लोग रास्ते में थे. अगर बाहर से कोई किसी प्रदेश में आता है, अनचाहे घुस जाता है, तो जिसका जिम्मेदारी किसका है? सरकार की, प्रशासन पुलिस की है, उसको पकड़ना, उसको सजा देना. और इस प्रकार घटना कोई कराता, एक आदमी को कहीं पकड़ा गया? इतनी सारी घटना हो रही है, अगर आया होगा तो उन्होंने लाया होगा, नहीं तो उसकी जानकारी कैसी हुई? हमें तो जानकारी नहीं है. उनकी ये जिम्मेदारी है इस प्रकार घटना को रोके, और कोई बदमाशी करता है, गड़बड़ करता है, जो कहीं का भी हो, उसको पकड़ के कानून के सामने ले आए. वेस्ट बंगाल की पुलिस ये भी कह रही है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो गन्स कैरी कर रहे हैं, और बाकी जो लोकली मेड बम हैं वो कैरी कर रहे हैं. ये सारे एक वीडियो भी निकाला गया है जो बहुत सारे टीएमसी लीडर सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें एक भाजपा का ही कार्डर है जो एक लोकल कट्टा एक बंदूक लेके रामनवमी के प्रोसेशन में चल रहा है. ऐसा कहीं सबूत नहीं है, कहीं हथियार लेके गन लेके घूम रहा है. उनके भतीजा और अभिषेक बनर्जी ने पोस्ट किया कोई वीडियो, कोई बाहर का है, बंगाल का वीडियो नहीं है. ये तो गुनाह है, सरासर के क्राइम है, लोगों को भड़काने का, झूठ फैला करके, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. वो नहीं करेंगे क्योंकि ये उन्हीं का द्वारा प्रायोजित सारी घटना है, इसलिए पूरा बंगाल में गड़बड़ हो रहा है. वहां पिछले चुनाव में सारे मुस्लिम वोट उनको मिला था, लेकिन अगले पिछले दो तीन बाई इलेक्शन और घटना में देखा गया मुस्लिम वोट उनसे अलग हो गया, ये हार गए, इसलिए मुसलमानों को डरा धमका करके भगा करके अपने तरफ लाने के लिए सब साजिश हो रही है, और इसलिए पूरे बंगाल में आग लगा करके आग से झुलसा जा रहा है बंगाल. उसका उल्टा चार्ज घोष साहब आपके ऊपर आता है जब टीएमसी कहती है कि आप जो हिंदू समुदाय है उसको भड़का रहे हैं, क्योंकि जो असली मोटिव है कि बाकी सब बहाना है, जो पंचायत इलेक्शन है वो उसके ऊपर नजर है, निशाना वो है, और उसके बाद 2024 नहीं. कम्युनल टेंशन हो, पॉलिटिकल टेंशन तो साल भर चलता है, मारकाट. हमारे गृह राज्य मंत्री का ऊपर अटैक होता है उनके इलाका में, माननीय नड्डा जी गए पिछले चुनाव के पहले तो उनका ऊपर अटैक हो गया है, फिर कौन बचेगा वहां? और बिल्कुल हिंदू समाज डरा सहमा है, वो अगर त्योहार नहीं मना सकते, उत्सव पर्व नहीं मना सकते, उन पर अटैक हो जाए, वो बाहर नहीं जा सकते परिवार को लेकर, अटैक हो जाए तो क्या होगा, क्या बोलेंगे? आज समाज को यही लग रहा है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है बंगाल में, इसलिए बंगाल भी सुरक्षित नहीं है, और ममता बनर्जी के हाथ में जब तक रहेगा तब तक सुरक्षित नहीं रहेगा.